तो भाई लोगों, और भाई क्या हाल चाल है यार। आज मैं बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि बाहर बैठ के, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो रखा है। तो ये वीडियो एक भाई है, वो बार बार बोल रहा है कि एक वीडियो उस बनाओ जिसमें मुझे ये एक्सप्लेन करो कि कैसे जो आप अपनी जो फिलिपिनो वाइफ का नाम है वो अपने पासपोर्ट में लिखवा सकते हैं। तो भाई लोगों, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है शादी के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद। आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ पे आपने शादी की है वहाँ के जो लोकल म्युनिसिपालिटी होती है वहाँ पे जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो 2 हफ्ते के बाद आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट आ गया कि नहीं। उसके बाद आपका जब ये सर्टिफिकेट आ जाता है शादी का, तो इसको आपको DFA के पास ले जाना होता है रेड रिबन के लिए। DFA, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर फिलीपींस। ओके, हर जो भी रेड रिबन की फ़ीस होती है, पर जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी फ़ीस होती है 300 से 500 ऐसे उसके बीच होती है। तो वहाँ पे आप जाके इसको रेड रिबन करवा सकते हैं। ये कम से कम 2-3 से 1 हफ्ते के बीच का टाइम लेता है। जब आपका जैसे आपका आपका जो जो शादी का सर्टिफिकेट था, अगर उसको आपने रेड रिबन करवा दिया है, तो उसकी एक फोटोकॉपी बनाइए। उसके बाद आपको जाना है इंडियन एम्बेसी में अपने पासपोर्ट को के साथ। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे भी उसके लिए एक फॉर्म होता है। फॉर्म के साथ आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है और शादी की एक फ़ोटो। जब आपकी शादी होती है तो आपको अपनी वाइफ और जो शादी का रजिस्ट्रार होता है उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। ओके, तो वो फ़ोटो लेके आपको इंडियन एम्बेसी के पास जाना है और वहाँ पे जाके फॉर्म के साथ आपको शादी का जो फ़ोटो कॉपी है और जो जो आपका वो ओरिजिनल है वो, और जो पिक्चर है वो सबमिट करवानी है। इसकी भी फ़ीस होती है 1000 से 1500 के बीच। ओके, तब आपको ये जमा करवाना है। तो आपको वो डेट देंगे कि कब आपका पासपोर्ट आप ले सकते हैं। जब आप अपना पासपोर्ट लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज में नोट लिखा होगा कि किस पेज में आपका जो आपकी स्पाउस का नेम जो है वो एनोटेटेड किया गया है। मींस उसमें आपकी स्टंप होती है, उसमें लिखा होता है आपकी वाइफ का नाम। ओके, तो इसका मतलब कि आपके जो पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम आ गया है। जब आप पासपोर्ट लेते हैं तो साथ में आपका मैरिजल का जो शादी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी वापस ले लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस तरीके से जब नेक्स्ट टाइम आप अपना पासपोर्ट न्यू पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आपकी जो वाइफ का नाम होगा वो जो पासपोर्ट के पीछे डिटेल पेज होता है वहाँ पे छपा हुआ आता है। ओके, तो आई होप कि वो भाई के लिए इन्फॉर्मेशन लाभदायक हो और आपके लिए भी अगर लाभदायक हो तो सेम लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव अ गुड डे।